जितने भी साथी आए हैं अलग अलग ग्रुप से, नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डेफ के साथी हैं, थैलेसीमिया एसोसिएशन से हैं, आदि से हैं, विकलांग अधिकार मंच से हैं, विकलांग अधिकार ग्रुप और सारे जितने भी साथी हैं या जो व्यक्तिगत स्तर पे भी आए हैं, उम्मूल हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आई हैं, प्रदीप है, कपिल है और सारे साथी हैं, आप सबका एक बार तो धन्यवाद, जबकि धन्यवाद देना बनता नहीं क्योंकि हमारी सबकी आपस की लड़ाई है, किसी एक व्यक्ति की या किसी एक संस्था की नहीं है। और मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा था बहुत कम समय में कि हम क्यों आज इकट्ठा हुए। तो जब कल या परसों ये फैसला लिया गया कि आज हम यहाँ ये करें, तो कई लोगों ने जो पहला रिएक्शन आया वो ये आया कि आज का दिन अच्छा नहीं है क्योंकि आज दिल्ली में और बहुत सारे कार्यक्रम हैं, कोर्ट है, कचहरी है, सारा मीडिया का ध्यान उस तरफ है इत्यादि। मेरा ये मानना है कि दिल्ली एक ऐसा शहर है, देश की राजधानी है, जहाँ रोज़ ही कुछ ना कुछ होता है। तो अगर हम अपने अधिकारों को उठा के ताक पर रख दें सिर्फ इसलिए कि मीडिया के पास हमारे लिए समय नहीं है या पॉलिटिशियन के लिए हमारे पास समय नहीं है या ब्यूरोक्रेट के पास हमारे लिए समय नहीं है, तो फिर तो हमारे अधिकार वैसे ही 50, 60 साल, 70 साल हो चुके, तो आने वाले न जाने कितने साल हमको नहीं मिलेंगे। और अभी की जो विडम्बना है वो देखिए कि हमारा कानून बना, 4 साल लगे उसको बनने में, बहुत मेहनत हुई, न जाने कितने लोगों ने उसमें अपना समय दिया और वो कानून बनकर राज्यसभा तक पहुंचा पिछली सरकार के मौके पर और पास नहीं हो पाया। और तब हमसे ये कहा गया था कि आप विश्वास रखिए 6 महीने के अंदर अंदर कानून पास हो जाएगा। आपको याद होगा, आप सब उस लड़ाई में भी शामिल थे, आप सब आते थे यहीं पे, हम लोगों ने न जाने कितने धरना दिए, न जाने कितने हमने कैंडल निकाली। अब उसके बाद जब नई सरकार बनी, स्टैंडिंग कमेटी बनी, स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, उस रिपोर्ट के आधार पर जो चेंजेस होने थे वो हो गए और फिर दोबारा बिल सारे मंत्रालयों में गया, सारी राज्य सरकारों में गया, लॉ मिनिस्ट्री में गया और अब कैबिनेट के पास जा चुका है। ये बिल्कुल पक्की खबर है, आप सब भी जानते हैं, नहीं तो पता कर सकते हैं कि बिल को गए, बिल कैबिनेट में 26 नवंबर को चला गया था। 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे होता है, 3 दिसंबर एक अच्छा मौका था जिस दिन हम कोई धरना कर सकते थे, मोर्चा कर सकते थे, रैली कर सकते थे, मगर हमने जानबूझ के नहीं की क्योंकि आप धरना सिर्फ इसलिए नहीं करते कि फैशन में है। अगर एक काम अच्छे से चल रहा है तो धरना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 26 नवंबर को बिल सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री से कैबिनेट को भेज दिया गया, ये एक अटूट सच है। तो हमको ये लगा एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन कैबिनेट की मीटिंग होगी, कैबिनेट पास कर देगी, कैबिनेट पास करके वापस पार्लियामेंट को भेज देगी। अब पार्लियामेंट में पहले पहुंचे उसके बाद फिर पार्लियामेंट काम करती है, नहीं करती है, बिल पास होता है, नहीं पास होता है, वो अगला चरण है, वो अगला पड़ाव है। 26 नवंबर से आज 18 या 19, आज 19 है राइट, आज 19 हो गई, मतलब मोटा मोटा 22-23 दिन हो गए और अभी तक वो कैबिनेट से पास नहीं हो पाया है। अब ये चीज़ थोड़ा सा परेशान करने वाली है कि जब सारा जमा घटत हो चुकी, किसी भी एक कानून को, किसी भी एक बिल को आप कितना परखेंगे, कितना ठोकेंगे, पिछली सरकार को जो करना था उन्होंने किया, फिर बहुत सारे लोग खुश नहीं थे, उनको शिकायतें थी, तो वह स्टैंडिंग कमेटी में चला गया। स्टैंडिंग कमेटी को 6 महीने का समय दिया था, उन्होंने 8 या 9 या 10 महीने लिए उन्होंने, और स्टैंडिंग कमेटी में कई पार्लियामेंटेरियंस होते हैं अलग अलग पार्टियों के, उन्होंने अपना काम किया, फिर मंत्रालय में भेजा, मंत्रालय ने सारे अलग अलग मंत्रालयों को भेजा, उनकी सहमति ली, सारी जो राज्य सरकारें हैं उनको भेजा, उनकी सहमति ली, ये सब कुछ हो चुका है। तो अब देरी काय की है? और पिछले 20 दिन में कैबिनेट की कम से कम 2 या 3 मीटिंग हो चुकी हैं,
तो ये चीज परेशान करने वाली है कि कैबिनेट इस बिल को वो प्राथमिकता क्यों नहीं दे रही जो इस बिल को मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई एक बिल है, अगर कोई एक कानून है इस समय देश के सामने, कैबिनेट के सामने या पार्लियामेंट के सामने, मेरा ये मानना है कि वो विकलांग अधिकार या विकलांग जन के अधिकारों का कानून होना चाहिए। इसमें कोई शक, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और भी कानून है, सारे कानून अहम है, सारे कानून इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस पर कोई बहस नहीं हो सकती कि एक ऐसा कानून जो किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, एक ऐसा कानून जिससे 7 करोड़ देश के नागरिकों को उनका अधिकार मिल जाए, एक ऐसा कानून जिसपे के कोई पॉलिटिक्स नहीं है, एक ऐसा कानून जिससे कि सारी विभिन्न तरह की विकलांगताओं को उनका अधिकार मिलता है और ऐसी अनगिनत विकलांगताओं को उनका अधिकार मिलता है जिनको आज तक इस देश में विकलांगता ही नहीं माना जाता। आज भी जो हमारे नेशनल थैलेसीमिया ग्रुप के साथी आए हैं, थैलेसीमिया कहाँ है विकलांगता आज की तारीख में? लर्निंग डिसेबिलिटीज कहाँ है विकलांगता आज की तारीख में इस देश में? तो एक ऐसा कानून जो इतना ज़रूरी कानून है, जो इतना अहम कानून है, मेरा ये मानना है, आप में से ज़्यादातर लोग जो पहले से जुड़े हैं इस बात को जानते हैं कि मैं तो आज से 2 साल पहले कह रहा था कि कानून को पास कर देना चाहिए। अगर उसमें कुछ कमियां भी हैं तो उनको नज़रअंदाज करके कानून को पास करा देना चाहिए, क्योंकि उस कानून के आने से लाखों 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 लोगों को उनका अधिकार मिलता है। और हमारे लिए बड़ा आसान है कहना कि नहीं ठीक है, एक दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, 1 हफ्ता रुक जाओ, 1 महीना रुक जाओ, 6 महीना रुक जाओ। लेकिन आप उनसे पूछिए जिनको जिनको तकलीफ सहनी पड़ती है, आप उनसे पूछिए जिनको डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है। हमारे पास चिट्ठियाँ आती हैं जब किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है। आज की तारीख में मैं न जाने कितने डिसलेक्सिक लड़के लड़कियों का जिक्र कर सकता हूँ जिनको उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा, उनकी पढ़ाई सफ़र कर रही है, उनके नंबर खराब आ रहे हैं, क्योंकि उनको विकलांग ही नहीं मानता ये देश। तो कॉलेज ये कहता है, यूनिवर्सिटी ये कहती है कि आप विकलांग हैं ही नहीं, तो आपको आप अपना अधिकार किस बात का मांग रहे हैं? तो इस बिल में इतना समय क्यों लग रहा है? अब तो सब कुछ हो चुका और जितना सब्र हम बर्दाश्त कर सकते थे, जितना वेट कर सकते थे कर लिया, और अब अगर हमसे कोई कहे कि नहीं ठीक है, अब नहीं हो पा रहा, विंटर सेशन तो अब ख़त्म पे है, टेक्निकली 23 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है, यानी कि मंडे को 21 है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन। तो अगर ये कानून पास नहीं होता तो ये चला जाएगा फिर बजट सेशन में। अब जो अगला सेशन आएगा वो है बजट सेशन, जो फरवरी में आएगा। तो दो नज़रिए हो सकते हैं, बहुत से लोग इस नज़रिए के हो सकते हैं कि अरे आप बिलावजा क्यों शोर मचा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, बिलावजा सर्दी में सबको घर से बुला लिया, सैटरडे का दिन वैसे ही था, अपना एंजॉय करते, घर पे बैठते, टीवी देखते, और 3 महीने की बात है, दिसंबर तो हो ही गया, जनवरी फरवरी 2 महीने बाद कानून आ जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर कोई भी आदमी एक ऐसा है जो हाथ उठा के मुझे ये विश्वास दिलाए कि फरवरी में कानून पास हो जाएगा? क्योंकि ये विश्वास तो मुझे आज से 2 साल पहले भी दिलाया गया था, और बड़े बड़े लोगों ने दिलाया था, कैबिनेट मंत्रियों ने दिलाया था, अपोजिशन लीडर्स ने दिलाया था, राजनाथ सिंह जी ने दिलाया था, अरुण जेटली जी ने दिलाया था, सुषमा स्वराज जी ने दिलाया था कि आप क्यों परेशान होते हैं, 6 महीने में कानून पास हो जाएगा। तो 6 महीने में तो नहीं हुआ, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, 1 साल हो गया, अब 2 साल हो गए। तो ये आवाज़ उठाना ज़रूरी है। मैं सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन देना चाहता था कि आप में से यहाँ ऐसे बहुत सारे साथी हैं ज़्यादातर जो सिर्फ हम लोगों के बुलाने पर आ जाते हैं, और ये आपकी मोहब्बत है, आपका यकीन है, आपका भरोसा है, और मैं उसकी कदर करता हूँ, और आई एम श्योर कि आपके जो बाकी लीडर्स यहाँ मौजूद हैं वो भी इसकी कदर करते हैं। ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि वी आर नॉट टेकिंग यू एंड योर टाइम एंड योर कन्वीनियंस फॉर ग्रांटेड, एंड वी आर ऑल्सो हेयर विद यू ऑन द रोड्स। लेकिन इस बात को समझना और इस बात को समझाना, ताकि अगर जब आप घर लौट के जाएं या आप अपने मोहल्ले में जाएं या अपने जो भी आपका ग्रुप है, जो भी आपकी संस्था है, संगठन है, अगर आप वहाँ जाएं और कोई पूछे कि भाई क्यों गए थे जंतर मंतर, क्या करने गए थे, तो जवाब ये नहीं होना चाहिए कि वो विकलांग अधिकार वालों ने बुलाया था तो हम चले गए, या फलाने ने कहा था तो हम आ गए। हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा, और मेरा ये मानना है कि ये बात केवल आज तक की नहीं है,
अब हमें ये देखना है कि आज के हमारे इस छोटे से आज की हमारी इस छोटी सी कोशिश का क्या असर होता है, और कोई असर होता भी है कि नहीं। और यहाँ पे भी दो पक्ष हैं, यहाँ पे एक पक्ष ये है कि अरे साहब हिंदुस्तान में तो इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां निकलती हैं, हजारों लाखों लोग जब की रैली निकलती है, कुछ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हम लोग पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग, हमको खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। और मेरा ये मानना है, और आप में से कई ने ये देखा है, अपनी आंखों से देखा है, कि ऐसी ही एक छोटी सी महफिल 100 लोग 200 लोग उन्होंने आवाज़ उठाई और वो आवाज़ पहुंची, और ऐसे ऐसे काम हो गए जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। चाहे वो सेंसस की लड़ाई हो, चाहे वो इलेक्शन की लड़ाई हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज की लड़ाई हो, चाहे वो इसी कानून की लड़ाई हो। वरना पिछली सरकार तो नया कानून बनाने के लिए तक तैयार नहीं थी, आपको याद होगा। वो तो कह रहे थे हम अमेंडमेंट्स लाएंगे। तो हमें भरोसा रखना चाहिए अपने ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, देश के ऊपर। और यहाँ जो थोड़े बहुत भी मीडिया के साथी आ जाए हैं, मैं खास करके उनका शुक्रगुजार हूँ, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। वी आर ग्रेटफुल टू देम, बिकॉज इट्स लॉजिकल। आई मीन टुडे इज सच अ डे व्हेन द एंटायर अटेंशन इज डाइवर्टेड टू वन पर्टिकुलर इशू, and the entire media is completely going berserk in focusing on that issue. And I'm not saying that that issue is important or not important or whatever, but the point is that this issue is as important, if not more important, than any other issue in the country right now. And I think it's very important for the country to know that this is a cause which affects more than 70 million disabled citizens of India, that our future is at stake, that it's after a great difficulty that we have got the bill to this stage, and there is no reason at all for the bill not to be passed by the parliament and for it to be stuck till the next session. So we have to keep this unity, we have to keep this solidarity, we have to keep struggling. Let's hope for the best, let's see what happens next week. Aur ho sakta hai hame fir dobara sadak pe aana pade, ho sakta hai is baar hame zyada bade numbers mein aana pade. To jaisa bhi hoga wo suchna aap tak pahunchegi. But for now, आज हम यहाँ जमा हुए, आप सब आए, थैंक यू वंस अगेन। विकलांग एकता, विकलांग एकता।